आज की इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग देखने वाले हैं 1.4 लाख रुपीस का पीसी बिल्ड, सभी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो एंड तक देखते रहना। वेलकम बैक टू मॉडिक्स कमेडियस, मेरा नाम है सार्थक। इस पीसी बिल्ड को ऑर्डर करवा रहे अब्बास भाई ने, जो कि रहने वाले हैं गुजरात के, वहां पर हम लोग इस पीसी को शिप करेंगे। बाकी गाइस ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं आपके घर पर आपका पीसी पहुंच जाएगा। स्क्रीन पर आपको नंबर्स देखने को मिल जाएंगे 7011805001 और 9403902904 वाले नंबर पर कॉल व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो। नीचे वाले नंबर पर सर जो कॉलिंग अवेलेबल है एंड हमारी सेल्स टीम आपको बड़े तरीके से गाइड कर देगी आपके बजट एंड आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा पीसी बिल्ड आपको लेना चाहिए। बाकी ईएमआई की फैसिलिटी हो या फिर कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटी हो, आपको दोनों ही हमारे पास देखने को मिल जाता है। तो आप हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हो फॉर मोर फर्दर इन्फॉर्मेशन, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पर भी जाकर के बाय कर सकते हो। modexcomputers.com हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाएं, अपने हिसाब से पार्ट्स को कॉन्फिगर करके आप वहीं पर ही अपना पीसी बिल्ड ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। प्लस EMI COD उसके ऊपर भी अगर आपको बुकिंग कर रही है तो वो भी आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो। तो वेबसाइट का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी आप हमारे ऑफलाइन स्टोर पर आकर के पीसी बिल्ड करा सकते हैं, नेहरू प्लेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 8098 फ्लोर भंडारी, उस बिल्डिंग हमारा एड्रेस है। हमारे ऑफलाइन स्टोर पर आए, अपने पीसी बिल्ड कराए, एड्रेस, गूगल लोकेशन, लिंक, सारी डिटेल्स गाइस आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब चलो गाइस शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सभी कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर हमारे प्रोसेसर के बारे में। AMD के राइजन 5 7600X प्रोसेसर का गाइस हम लोगों ने यहां पर यूज करा है। ये पीसी बिल्ड मोर फोकस्ड है ऑन गेमिंग ज्यादा करनी है तो इसलिए थोड़ा सा हैवी वाला ग्राफिक्स कार्ड यहां पर ज्यादा लगाया। राइजन 5 विल बी मोर देन इनफ, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में यहां पर आता है। देखो गाइस अगर हमें गेमिंग करना है तो उसके हिसाब से 6 कोर का सीपीयू मोर देन इनफ यहां पर रहता है। और वैसे भी जब आप हायर रेजोल्यूशन के ऊपर गेमिंग करते हैं तो गेम्स जो है वो थोड़े ज्यादा जीपीयू बाउंड वहां पर हो जाते हैं, सीपीयू का रोल थोड़ा कम होता चला जाता है। बट हाँ, फिर भी एक अच्छे सीपीयू का होना काफी ज्यादा बढ़िया रहता है मॉडर्न आर्किटेक्चर का, वो थोड़े से वहां पर जो है आपको फ्रेम रेट ज्यादा वहां पर प्रोवाइड कराते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो 7600X 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स के साथ में आने वाला काफी जबरदस्त सीपीयू है। AMD के लेटेस्ट 7000 सीरीज के साथ में यहां पर आ जाता है। बाकी मदरबोर्ड इसके साथ में पेयर करा हम लोगों ने MSI की तरफ से उनका B650 गेमिंग प्लस वाईफाई मदरबोर्ड, बढ़िया मदरबोर्ड यहां पर MSI की तरफ से उनकी B650 लाइनअप के अंदर यहां पर आ जाता है एंड गेमिंग प्लस लाइनअप के अंदर है, प्लस वाईफाई एंड ब्लूटूथ हमें दोनों की फंक्शनलिटी यहां पर देखने को मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली DDR5 रैम को सपोर्ट करते हैं क्योंकि एंटायर 7000 सीरीज लाइनअप AMD का वो जो है DDR5 प्लेटफॉर्म के साथ में यहां पर आता है। अच्छा, हमारे 7600X के साथ में एक अच्छा सा लिक्विड कूलर यूज करना इज मैंडेटरी। तो 360M तो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो हमने यहाँ पर जो 240M का लिक्विड कूलर यहाँ पर यूज करा है, जो क्या आता है हमारा यहाँ पर एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनका आइस फ्लो 240 ARGB डिसेंट है। और इसमें मतलब ये तो नहीं है कि आप राइजन 7 वगैरह ऐसे कुछ प्रोसेसर चलाओगे, अगर राइजन 5 7600X इस टाइप के सीपीयू चलाते हो तो डिसेंट इनफ यहाँ पर वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। प्लस इसमें आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है बीच में आपके सीपीयू ब्लॉक में, जिसके ऊपर आप टेम्परेचर्स को वहां पर मॉनिटर रियल टाइम में कर सकते हो कि अभी आपके सीपीयू का क्या टेम्परेचर यहाँ पर चल रहा है। जैसे कि आप अगर पास में आएंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं 39 डिग्रीज यहाँ पर लिखा रहा है, तो ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता रहता है। अभी तो फिलहाल आइडल पर है हमारा पीसी, तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे तो टेम्परेचर्स आप वहीं पर रियल टाइम में मॉनिटर कर सकते हैं, तो है ना काफ़ी कूल चीज़। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से, तो थोड़ा सा समझ सकते हो बजट इकोनॉमिकल यहाँ पर रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है कूलर। बात करते हैं यहाँ पर हमारी रैम के बारे में, तो रैम हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करी जिसकिल की तरफ से उनकी ट्राइडेंट Z5 RGB 16x2 32 GB की किट है, जो कि 6000 MHz के ऊपर क्लॉक्ड है। ब्लैक वाली स्टिक्स का हम लोगों ने यहाँ पर यूज करा, अच्छी रैम स्टिक्स है, 32 GB विल बी मोर देन इनफ हमारी यहाँ पर गेमिंग पर्पस के हिसाब से। बात करते हैं यहाँ पर हमारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में, तो ग्राफिक्स कार्ड यहाँ पर यूज करा है हम लोगों ने गैलेक्स की तरफ से उनका RTX 4070 सुपर एंड दिस इज वन क्लिक OC वाला वर्जन एंड ये डुअल फैन वाला ग्राफिक्स कार्ड है 4070 सुपर। और देख सकते हो आप कैबिनेट भी हमारी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज की है, तो इसमें ट्रिपल फैन तो वैसे भी नहीं आ पाता, तो डुअल फैन हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है और थोड़ा सा छोटू सा रहता है ग्राफिक्स कार्ड, काफी सुंदर भी लगता है यहाँ पर देखने में। एंड 4070 सुपर ऐसा कार्ड है भाई 2K पर तो एकदम मक्खन मस्त गेमिंग, काफी सारे गेम्स आप यहाँ पर जो है 4K में भी एंजॉय कर पाओगे, तो ये चीज काफी बढ़िया है हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से। और प्लस गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर हमारी SSD के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है XPG की तरफ से उनकी S70 ब्लेड 1TB की Gen 4 M.2 NVMe SSD, इसके अंदर विंडोज चलने के बाद भी अच्छी खासी स्टोरेज हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बात करते गाइस यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज करी है डीपकूल की तरफ से उनकी DQ750M V3L पावर सप्लाई,
तो 750 वॉट विल बी मोर देन एनफ हमारे इस पीसी बिल्ड के हिसाब से, जो कि आराम से यहाँ पर सारी चीजों को हैंडल कर लेगा। फाइनली गाइस बढ़ते हैं यहाँ पर हमारी कैबिनेट की तरफ। ये कैबिनेट गाइस काफी सारे लोग पसंद कर रहे हैं। ये है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से उनकी क्रिस्टल X2 एंड दिस इज ब्लैक वाला वर्जन इस कैबिनेट का। अगर आप छोटू सी कॉम्पैक्ट सी थोड़ी मॉडर्न डिजाइन की कैबिनेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस कैबिनेट के साथ में यहाँ पर जा सकते हैं। इसमें एक तो आप टॉप पर 240mm का रेडिएटर माउंट कर सकते हो और रियर में आपको एक फैन मिल जाता है। बाकी इसमें ना आपको मेरे हिसाब से शायद दो ही फैंस मिलते हैं, एक तो बॉटम पर हो गया एंड एक रियर में एग्जॉस्ट के लिए आपको फैन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मतलब इसमें आप टोटल कितने फैंस लगा सकते हो, दो नीचे एक पीछे और दो ऊपर। टॉप पर तो अगर आप एयर कूलर लगा रहे हो तो आप टॉप पर फैंस भी यहाँ पर जो है इंस्टॉल कर सकते हो। बॉटम पर आपको मेश मिल जाती है ताकि एयर इनटेक आपका अच्छी तरीके से यहाँ पर बने। बस तो गाइस यही था पूरा हमारे इस पीसी बिल्ड में। आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड 140,000 के हिसाब से आई नो थोड़ा सा लुकिंग वाइज थोड़ा सस्ता सा लगता है, बट अंदर क्योंकि जो ये है ना ये चीज महंगी है, तो इसने बजट भाई पूरा लगाया 4070 सुपर ने। बाकी आपको कैसा लगा पीसी बिल्ड नीचे कमेंट्स में बताएं। आपको भी ऐसी कोई पीसी बिल्ड करवाना हो तो आपको बता ही रखा है, सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के पीसी बिल्ड के साथ में। तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।